लास्ट वीडियो में हमने कुछ पाइप का स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये बताया था कि ASTM जो स्टैंडर्ड्स का पाइप है वो हम इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, उसी स्टैंडर्ड का पाइप यूज़ करते हैं। तो आइए उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं, जो पाइप का स्टैंडर्ड्स होते हैं और कुछ ट्यूब्स का भी आते हैं, हम उसमें आज देखते हैं ट्यूब्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड का पाइप आता है। तो ये ट्यूब्स में आता है SA178। ये देखेंगे तो ये कार्बन स्टील, इसका मटेरियल जो होता है कार्बन स्टील का होता है, जो सुपर हीटर ट्यूब्स के रूप में यूज करते हैं। दूसरा जो आता है SA192, ये एक स्टैंडर्ड का आता है ट्यूब्स, जो होता है ये सीमलेस पाइप होता है, ट्यूब्स होते हैं जो कार्बन स्टील का बना होता है, और यहाँ ये हाई प्रेशर के लिए हम इसको यूज करते हैं। बात करते हैं SA210। हाँ, ये जो स्टैंडर्ड है इसको हम इंडिया में जो बॉयलर्स है उसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इसको यूज करते हैं। ये भी कार्बन, इसका भी मटेरियल कार्बन स्टील होता है, जो सुपर हीटर ट्यूब्स के रूप में इसको हम यूज करते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो SA210 का, ये इसमें दो ग्रेड आता है, ग्रेड A1 आता है और ग्रेड C, दो ग्रेड, जिसमें हम A1 का ज्यादा यूज करते हैं। जो अभी बोल रहा था मैं कि सुपर हीटर ट्यूब्स के रूप में यूज करते हैं, तो इसमें A1 का जो है ग्रेड A1 ज्यादा यूज करते हैं 210 में। ये जो CS का मटेरियल यानी कार्बन स्टील का जो होता है 210, ये मैक्सिमम हम अप टू 420 यानी 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको यूज करते हैं। इसलिए हम इसको मोस्टली जो इकोनोमाइजर का ट्यूब्स होता है, इवेपोरेटर होता है, और जो भी लो टेम्परेचर वाले ट्यूब्स होते हैं उस जहाँ लगते हैं वहाँ पे हम CS का यूज करते हैं, कार्बन स्टील का यूज करते हैं, जिसका SA210 का ग्रेड A1 ले लें या C, इनमें से कोई सा भी यूज कर लेते हैं। लास्ट हम बात करते हैं SA213 का। ये जो होता है ये एलो स्टील का ट्यूब्स होते हैं, जो हम सुपर हीटर यानी जहाँ हायर टेम्परेचर होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसका हम ग्रेड की बात करें तो इसमें T11, T22 और T91, ये सुपर हीटर जो ट्यूब्स लगते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें ये T1 जो होता है ये मैक्सिमम जो एबव यानी 420 से एबव जाता है टेम्परेचर, तो उसमें ये T1, T22, T91 अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और प्रेशर, कहाँ पे कितना टेम्परेचर है और प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग जो है इस तीनों में से ग्रेड का हम यूज करते हैं। ये मोस्टली जहाँ ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर होता है उसी जगह पे हम एलो स्टील का यूज करते हैं। थैंक यू।